माननीय मुख्यमंत्री जी को ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको एनडीए के साथ रहना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी ने उनको बहुत सम्मान किया। आप 2020 का विधानसभा चुनाव देखेंगे तो रिजल्ट में भी देखेंगे तो जदयू की ज्यादा सीटें नहीं आई थी, भाजपा से काफी की संख्या में कमी थी, इनका मात्र 42 या 43 सीटें आया था। उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने इनको मुख्यमंत्री बनाया, तो इनको एनडीए के साथ रहना चाहिए था। बिहार के जनता के साथ ये धोखा दे रहे हैं, ऐसा इनको नहीं करना चाहिए, एनडीए में उनको रहना चाहिए था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसी भी साथी गठबंधन के साथ अपने गठबंधन धर्म जो होता है उसका पालन करती है, और भारतीय जनता पार्टी के जो भी गठबंधन में हैं सबका सम्मान करती है। अब किस परिस्थिति में इन्होंने छोड़ा है, पहले अब मीडिया में उनका बयान देने दीजिए तब इस पर प्रतिक्रिया। देखिए, ये तो इस्तीफा देने से पहले ही तय होता है कि अगला कदम क्या होगा। अभी तो जो दिख रहा है मुझे कि अब आने वाला समय में ये दोनों मिल के सरकार बनाएंगे, वो तो यूपीए में है ही, उन लोग का तो अलायंस है ही, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा नीतीश जी को सम्मान किया है, और नीतीश जी का और बीजेपी का गठबंधन जो है 96 से पहले से है। 2005 में भारतीय जनता पार्टी की मेहनत और भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट से वो पहली बार मुख्यमंत्री बने, ये भी उनको याद करने की जरूरत है। दूसरी बार भी 2010 में बने, और एक बार बीच में फिर छोड़ के गए थे भारतीय जनता पार्टी को, जब माननीय हमारे नेता नरेंद्र भाई मोदी जी प्रधानमंत्री के जब उम्मीदवार हुए थे तो सटन यू टर्न लेके एनडीए छोड़ के चले गए थे। फिर बाद में उनको गलती का एहसास हुआ, फिर वापिस आ गए। तो भारतीय जनता पार्टी अगर उनको सम्मान नहीं करती तो फिर दोबारा बांह खोल के तो स्वागत नहीं करती। फिर इनको हम सीट कम होते हुए, जदयू का सीट कम है, फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने उनको मुख्यमंत्री माना और मुख्यमंत्री बनाया। तो इस तरह का कमेंट करना एक अराज नेता को शोभा नहीं देता। माननीय नीतीश कुमार को ऐसा नहीं बोल के समर्थन तोड़ना चाहिए था, कोई दूसरा कारण देना चाहिए। देखिए, वो तो अब इस पे हम ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन जो 2020 का जो विधानसभा का जो जनमत है वो एनडीए के वोट के द्वारा है। अगर इनमें जरा भी है आत्मसम्मान है तो इनको कम से कम जो इनका जदयू का जो जीता हुआ विधायक है वो पहले रिजाइन दे, फिर चुनाव लड़े और फिर सत्ता में जाए। वही तो हम भी बोल रहे हैं कि जो उनका जीता हुआ सीट, जो भी जदयू के विधायक हैं, सब में भारतीय जनता पार्टी का भी वोट है, उस वोट को लेके आरजेडी के साथ उनको नहीं जाना चाहिए।